हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है लक्की माथुर और जैसे कि आप सब जानते हो, हमने जो है एक नई सीरीज़ स्टार्ट करी थी और वो थी हमारी स्टैटिक जीके की सीरीज़। और स्टैटिक जीके में भी हम पहले क्या रिवाइज़ कर रहे थे, स्टेट्स रिवाइज़ कर रहे थे, जिसके दो पार्ट्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो दो पार्ट्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और अदर जो वीडियोज़ इस चैनल पर पड़ी हुई हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन लिंक्स पर क्लिक करके मेरी सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आपको मेरा चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसे आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी इसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, आज जो है हमने पिछले दो वीडियोस में जो है वो स्टेट्स को रिवाइज़ करा था, लेकिन आज हम जो है वो स्टेट्स के साथ साथ हम यूनियन टेरेटरीज़ को भी रिवाइज़ करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज के लेक्चर को अपना स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है तो देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट इज़ फेमस फॉर सी ब्रिजेस, यानी सी ब्रिजेस के लिए कौन सा हमारा राज्य फेमस है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग समुद्र जाते हैं और वहाँ पर बैठकर धूप सेकते हैं। अब इतनी हिंट मैंने आपको दे दी है तो आई होप आप समझ जाएंगे। बताइए आंसर मुंबई है, गोवा है, केरला या फिर कर्नाटका, आंसर बताइए। ओके, एंड द राइट आंसर इज़ गोवा। ओके, गोवा ही है जहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ पर बैठकर धूप सेकते हैं, रेत में नहाते हैं, पानी में नहाते हैं, राइट। तो गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सी ब्रिजेस के लिए फेमस माना जाता है। ठीक है, चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इन हरियाणा, यानी हरियाणा में कितनी विधान सभा हैं, यह आपको बताना है। बताइए, 90 हैं, 182 हैं, 90 हैं, 243 हैं या फिर 126 हैं, बताइए। ओके, हरियाणा में कितनी विधानसभा है, 90 है, कितनी है, 90। और हरियाणा के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी ही कितनी है, 90 ही है, छत्तीसगढ़ में भी 90 है। ओके, 182 कहाँ पर है हमारी, गुजरात में है, 182 कहाँ है हमारे गुजरात, 243 आपके कहाँ पर है बताइए, बिहार, 243 कहाँ है बिहार में, और 126 कहाँ है हमारी असम में है, कहाँ है असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पोर्ट इज़ द डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्ट, यानी कौन सा पोर्ट है जो डीपेस्ट भी है, लैंडलॉक्ड भी है और अच्छी तरीके से उसे प्रोटेक्ट भी कर सकता है। लैंडलॉक्ड का मतलब क्या होता है, जो चारों तरफ से हमारा क्या होता है, दीवालों से यानी बाउंड्री से ढका होता है, लाइक आपका घर होता है ना, चारों तरफ दीवारें होती हैं, इसी टाइप से लैंडलॉक्ड बोला जाता है उसको। तो बताइए, विशाखापट्टनम है, कोची है, ट्यूटीकॉरन है या फिर कोलकाता पोर्ट है, बताइए। ओके, एंड द राइट आंसर इज़ विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट ही क्या है, डीपेस्ट भी है और लैंडलॉक्ड भी है। कोची कहाँ है हमारा, केरला में है, कोची कहाँ है केरला में, ट्यूटीकॉरन कहाँ है तमिलनाडु में, और कोलकाता, कोलकाता के नाम से आपको पता ही चल रहा होगा। ठीक है ना, और विशाखापट्टनम ही सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है जहाँ पर हमारा जो कार्गो जाता है ना, कार्गो का सामान, वो वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा इसी पोर्ट से होके गुजरता है। ठीक है ना, चलिए, और है कहाँ, ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मालाबार कोस्ट हमारा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मालाबार कोस्ट एग्जिस्ट इन विच स्टेट, यानी मालाबार कोस्ट हमारा कौन से राज्य के अंदर आता है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, केरला में या तेलंगाना में, बताइए किस राज्य के अंदर आता है हमारा मालाबार कोस्ट। ओके, एंड द राइट आंसर इज़ केरला। ठीक है, केरला साउथ में है और यहीं कौन सा कोस्ट आता है हमारा, मालाबार कोस्ट आता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर की आपको पता होगी कि दो कैपिटल है, जम्मू और श्रीनगर है ना। अब तो आंसर मैंने बता ही दिया है, लेकिन आप लोगों को चलिए ये बताइए कि इसमें से कौन सा कैपिटल जो है जम्मू कश्मीर का विंटर कैपिटल है और कौन सा समर है, जम्मू कौन सा है और श्रीनगर कौन सा है, बताइए। ओके, जम्मू जो है ना वो आपके समर कैपिटल है, समर कैपिटल है,
और श्रीनगर आपकी क्या है, विंटर कैपिटल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनगर विल बी योर राइट आंसर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट शेयर बाउंड्री विद चाइना, यानी कौन सा आपका उत्तर पूर्वी राज्य चाइना के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, बताइए। असम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, त्रिपुरा या फिर मेघालय। ओके एंड द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। आपने देखा होगा आपके मैप में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ चाइना की बाउंड्री लगती है ना, तो अरुणाचल प्रदेश आपका क्या है, चाइना से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि ब्रू जो ट्राइब है हमारी वो किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करती है, यानी ब्रू ट्राइब जो है हमारी, ब्रू जनजाति किस स्टेट में है, किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करती है, नागालैंड से, त्रिपुरा से, असम से या इनमें से कोई नहीं, बताइए। ओके देखिए जो ब्रू जनजाति है ये हमारी मेनली त्रिपुरा से बिलोंग करती है, लेकिन ये जो है वो असम में भी है, मेघालय में भी है और मिजोरम में भी है, बट जो इसका मेन डिज़ाइन है वो है इसका त्रिपुरा। अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये जनजाति आई है क्योंकि ये जो है त्रिपुरा से भागकर मिजोरम गए हुए हैं रहने के लिए और वहाँ की सरकार ने बहुत सारे फैसले इनके हित में सुनाए हैं, बट कुछ इन्हीं के लोग जो हैं अब वो क्या करने लगे हैं, प्रोटेस्ट करने लगे हैं कि वो इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। ओके चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन टेरिटरी गॉट स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 विच इज़ रिमूव्ड इन 2019। ओके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या फिर मिजोरम। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो है वो हमारे आर्टिकल 370 के तहत आती थी, लेकिन अब जो है वो 2019 में मिस्टर मोदी ने जो है इनको रिमूव कर दिया था, बताइए। ओके एंड द राइट आंसर इज़ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जिसको एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, लेकिन अब जो है 2019 में वो स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 हट गया है और जम्मू कश्मीर क्या बन गया है, एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड ट्राइब हमारी किस स्टेट से बिलोंग करती है, यानी जो नागालैंड जनजाति है ये हमारी किस स्टेट से, यानी किस राज्य से बिलोंग करती है, बताइए। मणिपुर, असम, मिजोरम या फिर अरुणाचल प्रदेश, आंसर बताइए। ओके एंड द राइट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। कहाँ की जनजाति है ये, अरुणाचल प्रदेश की है, ठीक है ना। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन जो है वो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद नेपाल, यानी नेपाल के साथ इसमें से कौन सा राज्य है जो अपनी बाउंड्री साझा करता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या सारे, बताइए। नेपाल के साथ बाउंड्री, ये नेपाल वही है जिस पे इशू चल रहा था ना, काला पानी वाला, और इंडिया नेपाल में आप लोगों को पता है आजकल बीच में अभी वो हो गया था ना, एक काला पानी इशू हो गया था, कहाँ थी वो काला पानी, उत्तराखंड में थी जगह, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेट क्या करते हैं, हमारे बाउंड्री साझा करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यूपी आपका यहाँ रहता है, नहीं यहाँ उत्तराखंड है, यहाँ यूपी है और इसी सटा क्या है, बिहार, और यहीं पर क्या आ जाता है आपका, नेपाल आ जाता है। ओके तो ये तीनों ही स्टेट क्या करते हैं, नेपाल से अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क हमारा किस स्टेट या यूटी में है, बताइए। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क यानी सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान हमारा किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है, बताइए। गुजरात में है, जम्मू कश्मीर में है, अंडमान निकोबार में है या फिर मेघालय में है। ओके एंड द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में है आपका, सिटी फॉरेस्ट को ही हम क्या कहते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क कहते हैं, सलीम अली के नाम से अभी हम इसे जानते हैं। ओके चलिए अगला देखते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है, एशियांटिक लायंस के लिए, वर्न हॉर्न राइनो के लिए, टाइगर्स के लिए या फिर एलिफेंट्स के लिए, आंसर बताइए। ओके किस चीज़ के लिए फेमस है, एशियांटिक लायंस के लिए है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है कहाँ, गुजरात में है, और ये फेमस किसके लिए है, एशियांटिक लायंस के लिए। वन हॉर्न राइनो कहाँ था, काजीरंगा में था,
और काजीरंगा हमारा है कहाँ, असम में है। ओके, आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, आगे हम कुछ और स्टैटिक जीके को रिवाइज़ करेंगे और देखेंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हम फिर मिलते हैं।